क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी मीन्स लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। ये हमें कहाँ से मिलता है? लाइकोपोडियम क्लैविटम प्लांट से मिलता है, जिसकी फैमिली होता है लाइकोपोडियेसी। इसको क्लब मॉस भी कहा जाता है। स्पोर्स का मतलब होता है कि आपने देखा होगा फ्लोवर के ऊपर ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं, और उस पोलन ग्रेन्स में हमारे छोटे छोटे ये स्पोर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। ये बहुत ही माइन्यूट सेल्स होती हैं, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी हम तब करते हैं जब हमारे बाकी दूसरे मेथड फेल हो जाते हैं। 1 mg पाउडर लाइकोपोडियम में 94,000 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है n×W×94,000×100×S×M×P। n क्या होता है? अब देखो, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जो भी हमारा सैंपल होगा या क्रूड ड्रग जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, उसकी लेंथ, ब्रीथ एरिया, जो भी हम कैरेक्टर हमको चाहिए मेजर करने के लिए, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। W होता है वेट ऑफ लाइकोपोडियम इन mg, और 94,000 मीन्स होता है कि अगर 1 mg स्पोर में 94,000 स्पोर होते हैं, तो जितने भी mg हम या जितना वेट ले रहा है लाइकोपोडियम का, उसमें कितने स्पोर्स होंगे। अपोन है एस। एस मीन्स होता है लाइकोपोडियम के कितने करेक्टरिस्टिक की हम, यानी कि एरिया, लेंथ, ब्रीथ, कितने करेक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि इसका मैच कर रहे हैं इसके साथ। एम होता है वेट ऑफ सैंपल, जो भी हम क्रूड ड्रग ले रहे हैं, और पी होता है कि हमारे जो क्रूड ड्रग है या सैंपल है उसके अंदर कितने स्पोर्स हैं। 100 हम इसलिए लगाते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। नेक्स्ट है, अब ये हम किस किस के लिए कर सकते हैं? क्लोव, जिंजर, कार्डमन, इलायची एट्सेट्रा। अब इसका एक मेथड होता है। मेथड्स में क्या करेंगे हम, 25 ग्राम ड्रग पाउडर लेंगे और 50 mg लाइकोपोडियम स्कोर लेंगे। ये इसका हमने स्मूथ पेस्ट बनाएंगे, किसको मिलाकर? कॉर्न ऑयल, थोड़ा सा कॉर्न ऑयल मिलाएंगे जिससे कि स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। फिर हम इसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 4 ml। अब देखो, हम इस वॉल्यूम में से एक ड्रॉप सस्पेंशन लेंगे और उसको अपनी स्लाइड पे लगा देंगे और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देंगे, और इसको हम थोड़ी देर के लिए अल साइड में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। फिर हम इसका क्या करेंगे, स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप में इसका एरिया, लेंथ और ब्रीथ चेक करने के लिए, और भी जितने भी जो करेक्टर्स हमको चेक करने हैं, बाय यूजिंग लाइका DMLS2 और लाइका क्वीन सॉफ्टवेयर की हेल्प से। नेक्स्ट है कैमरा ल्यूसीडा। अब आपने देखा होगा जब आप माइक्रोस्कोप में कोई भी इमेज देखते हो, मैग्नीफाइंग इमेज देखते हो किसी भी क्रूड ड्रग की, तो वो क्या होती है, छोटी सी दिखाई देती है। हम उसकी पिक ही ले सकते हैं, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर पाते अपने पेज पे। तो कैमरा ल्यूसीडा की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसका जो भी हमको इमेज दिखाई देती है माइक्रोस्कोप में, उसकी इमेज मैग्नीफाई करके देखते हैं, और हम उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। वो इमेज इतनी बड़ी होती है जितनी बड़ी ये कॉपी होती है, इतनी बड़ी कॉपी पे उसकी इमेज हमको आ जाती है। अब ये कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा गलत बन गया है। मान लीजिए ये हमारा माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप का ट्यूब है ऊपर की, जिसके ऊपर आईपीस लगा है। अब कोई भी हमारा क्रूड ड्रग रखी होगी स्टेज पे, ठीक है, हम उसको यहाँ से देखते हैं, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, आईपीस के ऊपर एक प्रिज्म, एक अलग से ट्यूब लगी है, इसके ऊपर देखो ये प्रिज्म लगा है और उसके ऊपर होल है, और ये किससे अटैच है, अटैचमेंट रिंग से। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्रूड ड्रग देखनी होगी माइक्रोस्कोप में, वो हम यहाँ से ना देखकर इस होल से देखेंगे, वो पहले यहाँ प्रिज्म से पास होगी, फिर हम उसको होल से देखेंगे। अब देखो, जो भी हमारी इमेज बनी है वो प्रिज्म कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर से जो इससे अटैच है, और ये मिरर बाद में कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई पेपर रखा है बहुत बड़ा, उसके ऊपर मैग्नीफाई करके उस पूरे पेज पे हमारी वो इमेज आ जाएगी बहुत ही बड़ी। तो हम इसको पेन या पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं।